नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज एक नए नॉलेज के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो बहुत से भाइयों का कमेंट था कि भैया बोर्ड को कैसे बनाएं, कोई भी बोर्ड को तो बताओ। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं बताऊंगा कि वो बोर्ड को कैसे बनाएं और कुछ अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा, ताकि आप जो बोर्ड बनाओगे तो उसमें कुछ लाभ मिले, ताकि दिक्कत बोर्ड अच्छा हो, बाद में आपको प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो दोस्तों ये स्विच सब जो है सारा दोस्तों ये एंकर का है, और सबको जो है मतलब कागज वो प्लास्टिक में जो आता है दोस्तों, इसका रैपर जो रहता है उसको मैंने हटा दिया है, और ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे पास भी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है इसी के कारण, और वीडियो थोड़ा सा कुछ दिन के बाद मैं बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा सा काम का लोड थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए सॉरी। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहें, और आशा करता हूँ कि जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कोई भी बोर्ड हो, अगर आप बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, और जाहिर सी बात है जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद से बनाएंगे तो ही देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड को खुद से बना रहे हैं दोस्तों, तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो प्लाई आता है दोस्तों, ये सनमाइका का जो आता है कटिंग, तो इसमें दोस्तों ये साइड वाला छेद नहीं रहता, ये दोस्तों छेद नहीं रहता है। तो पहले दोस्तों स्विच सब लगाने से पहले आप इसको छेद कर ले, अगर ड्रिल मशीन है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है, लगाने के बाद भी आप छेद कर सकते हैं। अगर ड्रिल मशीन नहीं है तो दोस्तों, तो पहले इसको छेद कर ले, क्योंकि जो है छेद करने वक्त अगर फट जाएगा दोस्तों, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, जितना भी स्विच वगैरह लगाए हैं तो वो आपको फिर से खोलना पड़ेगा, फिर से दूसरा प्लाई में आप सेट करना पड़ेगा आपको, तो इसका जरूर आप ख्याल रखें दोस्तों। और जब भी आप छेद करें दोस्तों, तो कांटी नुकीला कांटी से और हल्का से छेद करें, हल्का हल्का ठोक के छेद करें दोस्तों, मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आप इसमें जो दोस्तों ये 5-pin सॉकेट लगेगा, तो जो दोस्तों इसको लगा के देखते हैं, पूरा लगाते हैं। और दोस्तों इसमें आप जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो एंकर का है दोस्तों, ये ऊपर रहना चाहिए, एंकर लिखा हुआ ये जो दोस्तों ऊपर रहना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा, ऐसा नहीं कि उल्टा लग जाए, अगर उल्टा लगा दोगे तो फिर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है मतलब ऐसा कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है दोस्तों, मगर जो है आप मान लीजिए ये उल्टा लगा दिए दोस्तों, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम करना पड़ेगा ना दोस्तों, कोई प्लग लगाओगे तो फिर उल्टा करना पड़ेगा, और कोई भी और देखेगा भी तो बोलेगा कि कैसा कौन मिस्त्री किया है, और खुद से एक होता है दोस्तों, तो ये सब का थोड़ा ध्यान रखें। और दोस्तों अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं, अगर चैनल अगर इस रिलेटेड आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो इसमें दोस्तों कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, वीडियो पे बने रहें। इसका जो है तो नट लगा दिया मैंने दोस्तों, तो सारा नट लगाने के बाद ही इसको टाइट करें दोस्तों, ताकि उससे होगा कि दोस्तों समय का थोड़ा सा बचत होगा। और इस पर ये बात का जरूर ध्यान रखें दोस्तों कि ये इंडिकेटर लेफ्ट में रहेगा या राइट में रहेगा, तो दोस्तों इंडिकेटर जो दोस्तों राइट में रहता है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं, और लेफ्ट में भी रखिएगा तो दिक्कत नहीं दोस्तों, मगर एक ठीक रहता है वैसे। तो दोस्तों एक बात का ध्यान और भी रखिएगा दोस्तों कि ये फ्यूज जो है दोस्तों, फ्यूज कितना जोड़े दोस्तों, ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपके पास लगभग 500-600 वाट का अगर लोड है, अगर नॉर्मल है दोस्तों, नॉर्मल घर है दोस्तों, तो फ्यूज का तो जरूर ध्यान रखिए दोस्तों। इससे आपका होगा क्या दोस्तों कि आपका घर में अगर कुछ भी ज़्यादा हाई वोल्टेज आएगा दोस्तों, कोई भी शॉर्टिंग होगा, कुछ भी बात होगा दोस्तों, तो आपका फ्यूज उड़ेगा। तो दोस्तों फ्यूज पतला ही रखें, बहुत के घर में देखते हैं दोस्तों फ्यूज को मोटा रख देता है दोस्तों, मोटा बना देता है, तो दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 तार पतला छील के दोस्तों, 1 से 2 तार मात्र रखें पतला सा, उससे होगा क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों जैसे यही तार है दोस्तों, तो हम तो दोस्तों मात्र सिंगल यूज करते हैं दोस्तों, जो सही बात है, अगर ज़्यादा लोड है तो डबल भी दे सकते हैं,
उससे ज़्यादा तो ट्रिपल दे सकते हैं, मगर दोस्तों अगर सिंगल रखिए दोस्तों, अगर कभी बार बार उड़ रहा है दोस्तों, अगर जल रहा है तो डबल दे सकते हैं दोस्तों। इससे दोस्तों कि आप में आपका घर थोड़ा सेफ रहेगा, मतलब कुछ उड़ेगा नहीं जल्दी दोस्तों। अगर हाई वोल्ट आएगा तो दोस्तों आपका फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि फ्यूज देता ही है दोस्तों। क्यों हाई वोल्टेज आए तो फ्यूज थोड़ा सा रोके दोस्तों। बहुत में देखते हैं दोस्तों फ्यूज को जो है तार ही लपेट देता, तो क्या फ़ायदा, फ्यूज देने का मतलब क्या हुआ दोस्तों। तो लास्ट में दोस्तों जो है इसका वायरिंग तो दोस्तों अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो इस वीडियो इस चैनल पे दोस्तों वीडियो हम डाल देंगे दोस्तों, और काफ़ी बेस्ट वायरिंग करेंगे दोस्तों, आपको भी पसंद आएगा, या ये मेरा गारंटी है दोस्तों। वायरिंग से आप खुश हो जाएंगे, इतना सटीक वायरिंग करेंगे, इतना अच्छा से मैं क्या बोलूँ। और दोस्तों अगर लास्ट में यही है दोस्तों, अगर इसको दोस्तों जब बैठाते हैं दोस्तों तो होता क्या दोस्तों कि इस देखिए दोस्तों, इसको तो हम साइड में छेद किए हैं दोस्तों, तो इसका जो नट दोस्तों एकदम पूरा साइड में आ जाता है, इस साइड में आ जाता है ना दोस्तों। तो आपको क्या कर सकते हैं दोस्तों बताता हूँ, आप देखिए दोस्तों इधर से दोस्तों इसको ठोक के दोस्तों थोड़ा इसको फैला सकते हैं, इसको फैलाइएगा दोस्तों तो नट तो बीच में आ सकता है दोस्तों। जैसे देखिए दोस्तों इधर हल्का फैला दिए, इधर हो गया हल्का फैल गया दोस्तों, तो आपका नट जो दोस्तों सही में बैठेगा, क्योंकि दोस्तों इसके घाट के अनुसार तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है दोस्तों। तो इसको भी आप फैला के या मतलब ठोक के दोस्तों आप जो है देखिए दोस्तों ठोक के आप अपना एडजस्ट थोड़ा सा कर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।